बीसीसीएल के ईजी एरिया अंतर्गत विगत 5 वर्षों से लर्निंग कलर के पद पर कार्यरत विजेंद्र प्रसाद रवानी को पदोन्नति न देकर स्थानांतरित करने एवं अस्थायी पद में कार्य नहीं देने के विरोध में बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने सोमवार को एएसपी कोटबरी के पुराना इंक्लाइंड माइंस कार्यालय के समक्ष 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया तथा वीरेंद्र प्रसाद रवानी को तत्काल लोडिंग इंचार्ज के पद पर रेगुलराइज करने नहीं करने के विरोध में 3 दिवसीय धरना के बाद भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। धरना के नेतृत्व बिहार कोलवरी कामगार यूनियन के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री निदाई महतो ने किया और कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा 28/8/2011 एक पत्र जारी कर वीरेंद्र प्रसाद रवानी को डंप में ट्रीटमेंट से लोडिंग कलर में रेगुलराइज किया गया था तथा भौरा नॉर्थ एवं साउथ में लोडिंग कार्य करने का आदेश भी दिया गया था तथा भौरा नॉर्थ साउथ कोलवरी से स्थानांतरित करते हुए एएसपी कोलवरी में लोडिंग कलर के पद पर योगदान देने का भी आदेश दिया गया। इसके पश्चात सुदामडी रेलवे साइडिंग में लगभग 5 वर्षों तक लोडिंग इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे परंतु प्रबंधन द्वारा लोडिंग इंचार्ज के पद पर रेगुलराइज नहीं करने के खिलाफ 3 दिवसीय धरना के बाद मुख्य भूख हड़ताल किया जाएगा जिससे उत्पन्न औद्योगिक अशांति का जिम्मेदार प्रबंधन हो गया। देखिए मैनेजमेंट का जो है ना कागजी फॉल्ट निकल कर मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। एक आदमी तो कहरा का हवलदार है, 4 साल तक थाना प्रभारी बनकर स्टार लगाकर काम किया, तनख्वाह उठाया, ड्यूटी किया, आज कह रहे आप तो हवलदार है। कभी हो सकता है आपने साइडिंग में इनको प्रभारी बनाकर जो भेजा आप हमको बता दीजिए ना, साइडिंग में काम क्या कर रहे थे इतना दिन तक ये आदमी? अगर ये लोडिंग इंचार्ज नहीं थे तो कौन सा काम कर रहा था? क्या वही पर्सनल काम करते थे? क्या ये आदि फाइनेंशियल काम करते थे? यदि 5-4 साल तक इन्होंने लोडिंग के संबंधित काम किया है, लोडिंग क्लर्क है लेकिन पेन एंड पेपर में कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की मैनेजमेंट काम किया है, कहीं रिलीज करता है लोडिंग बाबू का, कहीं रेगुलराइज करता है क्लरिकल ग्रेड 2 का, तो ये जो डिपार्टमेंटल पेरिफेरियल जो प्रॉब्लम है टेक्निकल, ये मैनेजमेंट का खुद का है। ये ज्वाइनिंग कर रहा है कि हम लोडिंग बाबू है, बोलते आपका तो कागज़ दिया गया था भाई। दूसरा चीज़ तो हमने, अगर दूसरा चीज़ थे तो आपने हमारा लोडिंग बाबू के रूप में ज्वाइनिंग एक्सेप्ट कैसे कर दिया? हाँ, फिर हमको आपने साइडिंग में जो भेजा वो जब तक चिट्ठी देखे कि आप लोडिंग बाबू है, सवाल वही है कि आप हमलदार है, थाना प्रभारी कुर्सी बैठे हुए हैं, 2 स्टार है मेरा, मैं 4 साल तक नौकरी किया, तनख्वाह उठाया बड़ा बाबू का, आप कह रहे हैं हवलदार है? इतना ही हो सकता, कुछ फॉल्ट है जो डिपार्टमेंटल है, हम लोग उसमें भी कंप्रोमाइज करने के तैयार है, बशर्ते आज शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से अगर नहीं मानते हैं तो आर पार की होगी ये निश्चित है। आंदोलन कल गांधीवादी नहीं हो सकता, ये शुरुआत है। आप अगर रास्ते में आते हैं तो ठीक है और ये संभव है, ये बहुत बड़ी बड़ा काम नहीं है, डिपार्टमेंट भी फॉल्ट में है, तो इसका निराकरण निकालने के लिए हम लोग दोनों पक्ष एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमें तो बात तो करें, बात ही संभव है। देखिए मुख्य कारण है बिहार कोलवरी कामगार यूनियन की तरफ से 19/9/2023 को परियोजना पदाधिकारी महाप्रबंधक इजेरिया को एक सूत्री मांग पत्र दिया गया था, 3 बिंदुओं पर वार्ता करके इसका समाधान निकाला जाए शांतिपूर्ण ढंग से, जिस पर मैनेजमेंट के तारीख को मीटिंग बुलाया था, 20 तारीख को 22 तारीख को मीटिंग का चिट्ठी दिया। हमारा साथी तमाम साथी लोग मीटिंग में आए लेकिन परियोजना पदाधिकारी गैर जिम्मेवाराना का ही करते हुए हम लोग सभी लोग बैठे रहे, पर्सनल मैनेजर भी बैठे रहे लेकिन परियोजना पदाधिकारी बैठक में नहीं आए और हम लोग करीब 1 बजे मीटिंग उठ करके, जब मीटिंग नहीं हुआ तो हम लोग चले गए और आज हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हम लोग आपका धरना में बैठे हुए हैं, 3 दिवसीय धरना है। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग है कमेट वीरेंद्र रवानी, आपका साउथ नॉर्थ में आपका वो डंप मैन
टीपर मैन का काम कर रहा था, पहले काम करते थे, और उसके बाद डंप मैन और टीपर मैन के काम से, कार्य से, उसका पदोन्नति से प्रमोशन हुआ, उसको रेगुलाइज किया गया। रेगुलाइज करके उसको ड्राइवर मतलब टीप मैन और डंप मैन से उसको चेंज करते हुए लोडिंग क्लर्क में उसको रेगुलाइज किया गया, और लगातार वो उसी तरह से आपका 29/8 को रेगुलाइज होने के बाद, क्लर्क में रेगुलाइज होने के बाद वो जॉइनिंग लेटर भी दिया 29/8/2011 को। उसके बाद आपका लगातार काम करते आ रहा था लोडिंग क्लर्क का, 27/8/2018 को योजना पदाधिकारी उनका जो है एएसपी नॉर्थ कोलियरी से, उसको एज ए क्लर्क लोडिंग क्लर्क उनको ट्रांसफ़र कर दिया आपका साइडिंग में, रेलवे साइडिंग में और चंदन ओसीपी में, है ना, एएसपी कोलियरी में उसका ट्रांसफ़र हुआ। इन्होंने जॉइनिंग लेटर भी दिया, और जॉइनिंग लेटर देने के बाद, यहाँ पर जॉइनिंग करने के बाद उनको 27/8/2018 को योजना पदाधिकारी उनको एक लेटर निकाला, ऑफिस ऑर्डर निकाला, ऑफिस ऑर्डर भी सचन सच है जो भी है, उसमें दिया कि आप रेलवे साइडिंग में एज ए साइडिंग इंचार्ज के रूप में आप काम करें। उसी आधार पर उन्होंने काम करते रहा। आवार 8/3/2019 को एक चिट्ठी और दिया, ऑथराइजेशन चिट्ठी दिया कि आप एज ए लोडिंग क्लर्क जो है लोडिंग इंचार्ज के रूप में COCP, ASP कोलियरी और साइडिंग दोनों का आप संचालन करें एज ए लोडिंग आपका इंचार्ज के रूप में। लगातार 18 से लेकर के अभी तक वो लोडिंग क्लर्क के रूप में काम कर रहा है ना। हम लोग का डिमांड यही है कि जो आदमी 18 से लेकर के अभी तक टिल वो जब लोडिंग इंचार्ज के रूप में काम कर रहा था, काम कर रहा है, उनको आप 5 साल तक लगातार काम कराएं, आप उनको रेगुलाइज कीजिए एज ए ऑथराइजेशन के आधार पर, उसको लोडिंग इंचार्ज में रेगुलाइज कीजिए। यही एक सूत्री मांग हम लोग का। अगर आप लोगों की मांग पर प्रबंधन ध्यान नहीं देता है तो अगला 3 दिन हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से वार्ता बुलाया, वार्ता में मैनेजमेंट नहीं आया, हम लोग अभी भी शांतिपूर्वक ढंग से अपना धरना दे रहे हैं। 3 दिवसीय धरना है, 3 दिवसीय धरना के उपरांत अगर मैनेजमेंट कुछ नहीं करता है तो हमारा साथी जो हमारा अध्यक्ष है शाखा का, वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे, और भूख हड़ताल में किसी तरह का कोई घटना अगर हुआ तो उसके जिम्मेदार यहाँ के परियोजना पदाधिकारी और पर्सनल मैनेजर होंगे।